स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में, जिसमें हम एमडी बोर्ड 10, 12 आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि रुचानंद ने योजना का जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप कैसे देख सकते हैं, तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। आप डायरेक्ट सर्च करेंगे MPSOS, सर्च करते फर्स्ट पर ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, क्लिक करते ही पूरी साइट इसके ओपन हो जाती है। रूप जाना नई योजना ओपन स्कूल विवरणी का टाइम टेबल शो हो जाएगा, यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे रुक जाना नहीं कर दिया, रुक जाना नहीं योजना एग्जाम जून 2023, ओपन स्कूल का जो एग्जाम है उसका भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते MPBSE रोल नंबर, जो आपका MP बोर्ड का रोल नंबर था जो आपने एग्जाम दिया था वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और नीचे यहाँ पे इसको फिल करके आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम सब फिल करके क्लिक करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से अवसर दिया जा रहा है, द्वितीय अवसर दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रही परीक्षा केंद्र की, आपको एग्जाम देने कहाँ पर जाना है, तो परीक्षा केंद्र के सामने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको माध्यम मिल जाएगा, किस माध्यम से पेपर दे रहे हैं आप, साथ में तो जिन जिन में सफली आई उसका भी शो हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि पहले नंबर पर बताया गया है, प्रायोगिक परीक्षा जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, इसके लिए आप संपर्क बनाए रखें अपने टीचर से, जो भी यहाँ पे एग्जाम आपको दिलवाएंगे वो आपको बता देंगे कि एग्जाम कब होने वाला है। इसी के साथ दूसरे नंबर पे इसमें ऑप्शन बताया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति BPL हैंडीकैप्ड श्रेणी में के आधार पर परीक्षा फीस में छूट प्राप्त की है, वो संबंधित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु परीक्षा केंद्र में साथ में लाना होगा। अगर इस श्रेणी में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आप उससे संबंधित प्रमाण पत्र लेकर जाएं। इसमें आपको आधार कार्ड ले जाने का भी बोला गया है, आधार कार्ड भी लेकर जाएं। उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अपने परीक्षा केंद्र में ही, जो आपका परीक्षा केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की अनुत्तीर्ण वाली अंक सूची जमा करवाकर मुख्य अंक सूची प्राप्त कर सकेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप पास हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण वाली जो मार्कशीट रहेगी उसको जमा करना पड़ेगा, और जो उत्तीर्ण वाली मार्कशीट रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें परीक्षा केंद्र का ही बताया गया है कि वहीं पर जाकर आप ये मार्कशीट ले सकते हैं। साथ में इसमें टाइम टेबल दिया हुआ है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। तो जब एडमिट कार्ड निकलवाएंगे उसमें टाइम टेबल भी दिया हुआ है, तो आप वो भी साथ में निकलवाएं। उम्मीद है जानकारी समझ में आई होगी, फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।